हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानी इंडियन किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मिनटों में बनने वाला बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता, अप्पे रेसिपी। अप्पे जितना देखने में अट्रैक्टिव लगता है, खाने में उतना ही टेस्टी है। तो चलिए शुरू करते हैं अप्पे बनाना। सबसे पहले एक किसी बड़े बाउल में 2 कप सूजी ली है मैंने। सूजी आप मोटी पतली कैसी भी ले सकते हैं। सूजी में डालेंगे 1 कप दही। दही को मैंने यहाँ पर फेंट के लिया है और इसमें डाल देंगे नमक। सारी चीज़ों को एक साथ मिला लेंगे। फिर उसमें मैं डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके पानी। यहाँ पर मैंने 1 कप पानी डाला है। पहले पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालना है, इकट्ठा नहीं डालना है, इससे सूजी का बैटर पतला भी हो सकता है। सूजी में पानी की रिक्वायरमेंट और है, यहाँ पर मैं 1 कप पानी और डाल रही हूँ। लगभग 2 कप सूजी में 2 कप पानी डाला है। बैटर को ढक कर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद बैटर को चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूजी बढ़िया तरीके से फूल गई है। अप्पे को हेल्दी बनाने के लिए हम डालेंगे बहुत सारी सब्जियाँ। यहाँ पर मैंने लिए 2 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 2 बारीक कटी हुई गाजर, 2 बारीक कटे हुए प्याज, 1 हरी मिर्च। आप अपनी मनपसंद की सब्जियाँ और भी डाल सकते हैं। मेरे पास जो थी मैंने वो डाल दी है। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 बारीक कटे हुए टमाटर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। फिर बैटर में डालेंगे राई का तड़का। राई से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। लास्ट में हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच मीठा सोडा। सोडा को भी पूरे बैटर में मिला देंगे। सोडा डालने के बाद इसे हम तुरंत बनाएंगे। इसे रेस्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं रखना। सबसे पहले अप्पे पैन को गर्म करके थोड़ा थोड़ा तेल सारे मोल्ड में डाल देंगे। फिर इसमें 1-1 चम्मच सूजी का बैटर सब मोल्डों में डालेंगे। बैटर को 1 चम्मच से ज्यादा ना डालें, वरना अप्पे को फूलने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा। फिर इसे कवर करके मीडियम फ्लेम में 5 मिनट तक पकने देंगे। 5 मिनट बाद फिर हम इसे चेक करेंगे। अप्पे एक साइड से फूल गए हैं। अब हम अप्पों के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके तेल डाल देंगे और तेल को भी अप्पों के ऊपर लगा देंगे। फिर हम सारे अप्पों को पलट देंगे। इसे पलटना बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये पलट रहे हैं। फिर हम वापस इसे कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्पे दोनों साइड से बढ़िया तरीके से सिक चुके हैं। आप इन्हें कम ज्यादा और भी सेक सकते हैं। सारे अप्पों को हम निकाल लेंगे। अप्पे बनके तैयार है, चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये लीजिए, गोल गोल फूले फूले अप्पे बनके तैयार हैं। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।